आज उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों का भी एग्जिट पोल आ चुका है और ये एग्जिट पोल कहता है कि उड़ीसा का मैच सुपर ओवर तक जाएगा, यानी उड़ीसा में इस बार कांटे की टक्कर है बीजेडी और बीजेपी के बीच में, और आंध्र प्रदेश में इस बार एनडीए की सरकार बनने का अनुमान है। उड़ीसा में विधानसभा की कुल 147 सीटें हैं, जिनमें से नवीन पटनायक के बीजू जनता दल को 62 से 80 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को भी इतनी ही 62 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है और दोनों ही पार्टियों के बीच वहां पर कड़ी टक्कर है। लेकिन बीजेडी 62 से 80 सीटों पर तब आ रही है जब उसे 45 सीटों का कम से कम नुकसान हो रहा है और बीजेपी को यह 45 सीटों का तब वहां पर फायदा हो रहा है। तो आप यह समझ लीजिए कि बीजेडी जो है वो जबरदस्त तरीके से डाउन है इस बार और बीजेपी वहां उफान पर है, और कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस बार उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बन जाए। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 98 से 120 सीटें मिल सकती हैं। सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को 55 से 77 और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, और इस बार आंध्र प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है और एनडीए में भी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 78 से 96 सीटें मिल सकती हैं। पवन कल्याण की नई पार्टी जो बनी है उसे 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं, उन्होंने शानदार अपना डेब्यू किया है, जनसेना पार्टी जो उन्होंने बनाई है, और बीजेपी को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है, और अब आंध्र प्रदेश बीजेपी के लिए दक्षिण का नया द्वार बन सकता है। और एग्जिट पोल के आंकड़े भी बता रहे हैं कि इस बार एनडीए 400 पार होगा और बीजेपी एक पैन इंडिया पार्टी बन जाएगी, यानी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी सही मायनों में, जिसका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में फुटप्रिंट है, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी बीजेपी को लोकसभा की अब खटाखट सीटें मिलने की संभावना है। तो यहां आपने यह देखा कि जो बड़ी बात है, प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, पहले देखिए 2019 तक बीजेपी कुछ 10 से 15 राज्यों तक सीमित थी, बीजेपी की 80% जो सीटें आती थी वो लगभग ये 10 से 14 राज्यों के बीच से आती थी, और ये वो राज्य थे जहां बीजेपी ने 100 में से 100 सीटें ले ली थी, इससे ऊपर बढ़ नहीं सकते थे, बल्कि वहां से सीटें कम ही हो सकती थी। बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था कि वो नए राज्यों में जाए, और दक्षिण भारत ऐसा था जो बीजेपी लगातार वहां का दरवाजा खटखटा रही थी, दक्षिण भारतीय राज्यों का, लेकिन इन राज्यों ने बीजेपी के लिए दरवाजा खोला नहीं। इस बार मैं ये कहूंगा कि बीजेपी ने एक तरीके से उस दरवाजे को तोड़कर बीजेपी इन राज्यों में प्रवेश कर गई, और बीजेपी ने अब ऐसे राज्यों में सीटें जीती हैं जहां पहले बीजेपी सीटें जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, जैसे तमिलनाडु, जैसे केरला, जैसे तेलंगाना, जैसे उड़ीसा, जैसे पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पर बीजेपी ने अपनी सीटों की संख्याएं बढ़ाई हैं, और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां बीजेपी पहली बार इस बार सीटें जीतेगी, जैसे केरल। तो प्रधानमंत्री मोदी अब इस समय एक पैन इंडिया लीडर बन चुके हैं, यानी उनका जो रिकॉल वैल्यू है, उनकी जो लोकप्रियता है, अब वो तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, उड़ीसा में भी है, तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, और बीजेपी अब वाकई में एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है जिसका हर राज्य में एक अच्छा खासा फुटप्रिंट है, और उसी का फायदा आपको इस बार बीजेपी की इस नई टैली में मिल रहा है। जो लोग आकलन कर रहे थे वो इस बात का आकलन तो कर रहे थे कि जो उत्तर भारतीय, जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी पट्टी जिसे हम कहते हैं, वो ये सोचते थे कि यहां अब बीजेपी 100% सीट तो जीत नहीं सकती, यहां सीटें कम होंगी, और वो हुई भी, बिहार में कम हो रही हैं, राजस्थान में कम हो रही हैं, हरियाणा में कम हो रही हैं, लेकिन जो आकलन करने वाले लोग थे उन्होंने ये नहीं कल्पना की थी कि बीजेपी तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा और तेलंगाना ऐसे राज्यों को अनलॉक कर लेगी, जो कि बीजेपी ने इस बार कर लिया, और यही राज है कि बीजेपी की सीटें पिछली बार से भी ज्यादा आ रही है। पारंपरिक रूप से यह समझा जाता है कि पहले जब एक सरकार बनती है तो 5 साल में लोग उससे बोर होने लगते हैं, फिर उसकी सीटें घटती हैं, उन 5 साल के बाद 10 साल में तो लोग परेशान हो जाते हैं, थकावट होने लगती है, और 10 साल के बाद लोगों को बदलाव चाहिए ही चाहिए होता है, इसलिए सरकारें 10 साल में बदल ही जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार ऐसा काम किया है जवाहरलाल नेहरू के बाद, जब हर बार उनकी सीटें एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही हैं,
कम नहीं हो रही।